वो पेंसिल ठीक नहीं थी, इसीलिए 14.5 इंच है, 14 इंच इसका शोल्डर है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का 14 इंच शोल्डर का, माइनस 3.5 इंच करेंगे तो 10.5 इंच आएगा, 10.5 इंच और 0.5 इंच इसका स्टिच का, 12.5 इंच, 6 इंच आर्म होल हम रखेंगे, 6 इंच इधर से रखेंगे हम, 3 इंच गले का निशान, बैक गला डीप है हमारा तो 9.5 इंच है, तो 9.5 और 1 10 इंच 0.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा, ये 10 इंच, ये हमारा बैक है, बैक के गले का है निशान, इधर से भी जैसे आपकी मर्ज़ी, आप जैसे बनाना चाहें बैक का गला वैसे आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इतना ही रखना है। ये 6 इंच का निशान है आर्म होल का, यहाँ पर 36 इंच हमारी चेस्ट है, ये 36 इंच, 13.5 इंच हमारा इसकी लंबाई है ब्लाउज़ की, तो हम 14.5 इंच रखेंगे इसको, साढ़े चौदह इंच एक निशान इधर लगाएंगे, और कमर है 30 इंच, ये 30, 7.5 और ये 1 इंच ज़्यादा रखेंगे इसको डॉट के लिए, ये हो गया। यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है, ये 1.5 इंच का, सॉरी, इसको इस तरह से निशान लगा लेना है इसको, अब फ्रंट काटेंगे, ये फ्रंट रखेंगे इसको, फ्रंट को इसी के इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे बराबर इसको रख के, ये 3 इंच जो हमने गले का निशान लगाया था, ये 3 इंच का गले का निशान लगाना है, ये ऐसे, ये शोल्डर का भी ऐसे ही है, ये जो है ये इसको हम एक्स्ट्रा रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे इसको, 0.5 इंच हम इससे ज़्यादा रखेंगे, यानी 14.5 रखा है तो ये 15 इंच हो गई, ये देखें 15 इंच है ये, इसको हम सीधा निशान लगा लेंगे, यह है 6 है, ये भी 6, बहुत ही आसान है, एक इंच है इसका, गला इसका रखना था 7 इंच, हम रखेंगे 7.5, यहाँ से इतना ही रखेंगे 3 इंच, इसको निशान लगाएंगे अभी ऐसे, ये भी,
ये भी तकरीबन 1 इंच रखेंगे इसको। अब डॉट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, यहाँ से 4 इंच रखेंगे, यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे और बीच में 2 इंच का है गैप, और ये 15 इंच 30 इंच इसकी कमर है, ये 30, और एक्स्ट्रा बीच में 2 इंच रखेंगे इसको। ऐसे इसको निशान लगा लेना है, ये भी। अब ये है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर इसको अब यहाँ से गोलाई देनी है इसको, ऐसे। अभी इसको, इसका 1/2 इंच ज़्यादा था, ये हमने 1/2 इंच इसका नहीं उड़ा देना है इसको भी, यहाँ से करना है इसको 1/2 इंच, ऐसे ऐसे ही फ्रंट से भी 1/2 इंच उड़ा देना है इसको, ऐसे। इधर से मैंने मार्जिन नहीं रखा है उसका, हुक्स का, अगर आप चाहें तो यहाँ से हुक का मार्जिन भी रख सकते हैं। अभी मैं इसको आपको काट के दिखाता हूँ, देखिए ये इसकी बैक है, ये बैक है, ये फ्रंट है।